हेलो फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं राजगृह का हलवा। अगर आप व्रत रह रहे हैं, उपवास रह रहे हैं तो हलवा तो हम लोग हमेशा बनाते ही हैं, पर आज सिर्फ राजगृह का आटे का बना रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कितना जूसी क्रीमी, बहुत अच्छा टेक्सचर आया है, बहुत अच्छा कलर आया है। तो बनाना बहुत आसान है, तो चलिए मेरे साथ बनाइए, आप भी व्रत में बहुत अच्छा लगेगा। तो आधा कटोरी मैंने राजगृह का आटा ले लिया है और आधा कटोरी ही मैंने घी लिया है। तो इसको अच्छे से चला लें, लगातार चलाते जाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छा, जो बच्चे खाते नहीं हैं, जो माएँ परेशान हैं मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, उनके लिए ये रागी का हलवा बहुत हेल्दी है। जो पेशेंट हैं उनके लिए, उनको कम घी में आप बना के दे सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा प्लीज़, और बताइए कैसा लगा। हमारे यहाँ तो सबको बहुत पसंद आया है। तो आप जब भी व्रत रहें, बना के रख लें फ्रिज में, और जब खाना चाहें तो गर्म करके खा लें, अच्छा लगेगा। बिल्कुल प्रसाद, जो कढ़ाया का हलवा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही लगेगा। बस चलाते रहें, जलने ना दें इसको। अब इसमें मैंने 1.5 कटोरी पानी डाला है, एक नाप रख लें, मैंने इसी कटोरी से किया है। अब इसमें 1/2 कटोरी मैंने चीनी डाली है। चीनी थोड़ी आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, मैंने अपने 1/2 कटोरी के हिसाब से चीनी ली है। बस चलाते रहें इसको तक अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये हेल्दी भी बहुत है, छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो मतलब न्यूली बॉर्न बेबी है, उन माओ के लिए बहुत अच्छा है। हैवी डाइट है बहुत। इस तरीके से चलाते जाएं, इसको अच्छे से ब्राउन होने दें। तो कम सामान से, घर के सामान से, और बहुत जल्दी बन जाता है, बनाना भी आसान है और गरम गरम खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको कहीं पे सीरा भी बोलते हैं, कुछ लोग पुडिंग भी बोलते हैं, हमारे यहाँ ये इसको हलवा बोलते हैं। जैसे हम आटे का हलवा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। बस कढ़ाई में लगने ना दें बिल्कुल भी। अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है, बच्चे बड़े बूढ़े सभी को बहुत पसंद आएगा। आप टिफिन में दे सकते हो, ब्रेकफास्ट में दे सकते हो, आप ज़रूरी नहीं है आप व्रत हों तभी खाएं, आप वैसे भी बना के आप खा सकते हैं। आप एक बाउल में भर दें और ठंडा होने के बाद उल्टा कर दें, उस पर ड्राई फ्रूट रख दें, तो बहुत अच्छी पुडिंग की तरह से बन जाएगा और देखने में बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो आप कई तरीके से कर सकते हैं। अभी देखिए कितना अच्छा बना है, कम घी में भी बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें घी ज़्यादा है तो आप कम घी भी यूज कर सकते हैं। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।